बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप इस वक्त दुनिया में जानते हैं कि तकरीबन 8 अरब के करीब लोग रह रहे हैं। 1 जनवरी को एक सर्वे के मुताबिक 7.9 बिलियन पीपल आर लिविंग ऑन दिस अर्थ, और इससे कई गुना ज़्यादा इंसान जो है इस दुनिया से जा चुके हैं, पैदा हुए हैं, जा चुके हैं। आप ये यकीन करेंगे कि आप जैसा कोई इंसान दूसरा इस वक्त दुनिया में नहीं है। यू आर यूनिक, देर इज नो डेटो कॉपी ऑफ योर पर्सनैलिटी ओवर द अर्थ। आप जैसा कोई दुनिया में पैदा हुआ भी नहीं है, इससे पहले जितनी दुनिया जा चुकी है आप जैसा कोई भी नहीं था। You are unique. You have been given the different qualities, and you have no datto copy in this world. Even के आप जानते हैं कि आपका ये हाथ का जो thumb signs होते हैं, fingerprints जो होते हैं, वो भी किसी से match नहीं करते। सिर्फ fingerprint नहीं, fingerprint तो आप लगा के आपकी पहचान है कि जो ही आप फिंगरप्रिंट लगाते हैं आपका पूरा डाटा नादरा दे देता है। इसका मतलब है कि इसके आपका एक सिंबल है, एक कोड है, जिसकी वजह से आपकी पर्सनैलिटी की तमाम करेक्टरिस्टिक्स, सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सामने आ जाती है, इजंट इट। यहाँ तक कि छोटी छोटी प्रोडक्ट्स के ऊपर एक कोड लगा दिया जाता है, वहाँ से कंप्यूटर रिकग्नाइज करके उसकी प्राइस और सारी चीज़ें बता देता है। तो ह्यूमंस टोटली हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है। उसके अगर चेहरे के खदोखाल देखें तो दूसरे किसी इंसान से कभी ना मिले हैं और ना ही कभी मिलेंगे। इसके बाद आने वाले पत्नी कितने इंसान और आएंगे, लेकिन आपसे रिजेम्बलेंस कोई नहीं रखेगा। इट मीन्स एवरी बॉडी इज यूनिक, और हर बंदे को अल्लाह ताला इंसाफ करता है। हर बंदे को अल्लाह ताला ने बेतहाशा सलाहियतें दी हुई हैं। अगर आप ज़ाहरी तौर पर देखें कि कोई बंदा डिसेबल है, तो एक चीज़ से अल्लाह ताला ने कोई डिसेबिलिटी दी है, तो दूसरी तरफ अल्लाह ताला उसको उससे ज़्यादा दे देता है। पिछले दिनों हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, जब आप छुट्टियों पे थे, टीचर्स ट्रेनिंग उधर उस सेक्शन में, तो हमारे एक ट्रेनर आए जो कि जिनके पाँव नहीं हैं, और बड़ी मुश्किल से वो गाड़ी में बैठते हैं, अगरचे वो किसी की हेल्प नहीं लेते। मज़र इकबाल साहब उनका नाम है, डॉक्टर मज़र इकबाल। लेकिन उन्होंने जो ट्रेनिंग दी, इट वाज ब्रिलियंट, इट वाज रियली वर्थ एप्रिसिएशन। इतनी अच्छी ट्रेनिंग उन्होंने दी। तो मैं देख रहा था कि अल्लाह ताला ने एक तरफ से पाँव ले लिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ से अल्लाह ताला ने उनको सलाहियतें दे दी हैं। तो इसका मतलब ये है कि ज़ाहरी तौर पर अगर किसी की डिसेबिलिटी है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें सलाहियतों की कमी है। अल्लाह ताला कहीं और से, किसी और जगह उसको उससे ज़्यादा सलाहियतें दे देता है। और आप माशाल्लाह जो यहाँ खड़े हुए हैं, अल्लाह ताला ने आपको तंदुरुस्त पैदा किया है। आपके पाँव, आपकी आँखें, आपके कान, हर चीज़ सलामत है। और आपके पास अल्लाह ताला ने हर किस्म की आपको एनर्जीज, सलाहियतें, कैपेबिलिटीज़ दे रखी हैं। हमें ये सोचना है कि इन कैपेबिलिटीज़ का हम इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। एक बंदे के पास फ़र्ज़ किया लाखों रुपए अकाउंट्स में पड़े हैं, बैंक अकाउंट्स में पड़े हैं, और वो स्टूपिड भूखा रहता है, वो भूखा रहता है, उसका लिबास फटा हुआ है, उस जैसा बेवकूफ़ कोई होगा? कोई होगा उस जैसा बेवकूफ़? लाखों रुपए उसके बैंक में पड़े हुए हैं, उनको इस्तेमाल ही नहीं करता, भूखा रहता है, ढंग का लिबास नहीं पहनता, जूते फटे हुए हैं, उस जैसा कोई बेवकूफ होगा? सोचे कोई है? और पैसे उसके साथ पड़े हैं और मर जाता है, पैसे उधर ही पड़े रहते हैं। तो इसी तरह अपने बारे में सोचें कि सलाहियतें हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहे, और एफ ग्रेड लेकर खड़े हो जाते हैं, एफ ग्रेड लेकर सर छुपाते फिर रहे होते हैं। अपनी दी हुई अल्लाह की सलाहियतों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल करें। बाद लोग इन सलाहियतों को, वो कहते हैं बंदूक से मक्खी मारना,
ऐसी जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं जहाँ उसको कोई फायदा नहीं है। जैसे कि आपसे कई दोस्त आपके अभी तक गेमें खेल रहे हैं, कंप्यूटर गेमें खेल रहे हैं, मोबाइल गेमें खेल रहे हैं, अपनी इन सलाहियतों को कहाँ कहते हैं बंदूक से मक्खी मारते बल्कि मच्छर मारते फिर रहे हैं। हालांकि इन सलाहियतों के जरिए आप जो है शेर की सवारी कर सकते हैं, हाथी की सवारी कर सकते हैं, तेज रफ्तार घोड़े की सवारी करके आप अपनी बेहतरीन मंजिल पे पहुंच सकते हैं, लेकिन आप किसी और जगह इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप इन सलाहियतों के ऊपर सवार हों और अपनी मंजिल की तरफ रवान दवा हों। ये जो आपके एग्ज़ाम हैं ये माइलस्टोन्स होते हैं, माइलस्टोन्स जिनको इज्जत और शौकत से अबूर करना चाहिए। ये माइलस्टोन्स हैं और इनको आप जो है अबूर करें बड़ी इज्जत और शान शौकत के साथ, अपनी एनर्जीज को इकट्ठा करें और आप इस पे लगाएं कि यू आर टू क्रॉस दिस माइलस्टोन, यू आर टू क्रॉस दिस ब्रिज विद द ऑनर डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट। तो यू हैव गॉट द ट्रेमेंडस एबिलिटीज, यू हैव गॉट द ट्रेमेंडस पोटेंशियल, जस्ट यू आर टू यूटिलाइज इट इन द राइट डायरेक्शन फॉर योर सेल्फ, फॉर योर पर्सनल रेस्पेक्ट, फॉर द रेस्पेक्ट ऑफ योर फैमिली, फॉर द रेस्पेक्ट ऑफ योर पेरेंट्स एंड फॉर द रेस्पेक्ट ऑफ द होल नेशन। थैंक यू वेरी मच।